नमस्कार। बहुत से लोग कहते हैं कि सर हम कुछ वर्क अपने हाथ में लेते हैं, बार बार करते हैं और बार बार निराशा मिलती है, कभी सफलता नहीं मिलती। हर तरफ एक निराशा की छाया रहती है, हम क्या करें? हम टूट चुके होते हैं उस स्थिति में, क्या करें? जब कोई हम बड़ा लक्ष्य हाथ में लेते हैं और बार बार असफलता मिल जाती है, उस वक्त हम बहुत निराश और हताश होते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या करें? ऐसी कंडीशन में कुछ भी नहीं। आप कुछ भी कार्य कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उससे पहले ऐसा करना कि एक पेन और एक पेज पर ये तीन वर्ड लिख देना, उसको लिख के अपने पर्स में हमेशा रखना, हमेशा। जब भी आपको कभी हताशा लगे जीवन, जब भी आप कभी घबराओ, जब भी किसी लक्ष्य को लेकर लगेगा यार ये मेरे से नहीं होगा, तब तब अपना पर्स निकालना, खोलना और वो पेज पढ़ लेना, वो तीन वर्ड पढ़ लेना। आपको वापस अगेन एक अंदर से मोटिवेशन की आवाज आएगी, आपको लगेगा कि नहीं यार मुझे कुछ करना चाहिए, और फिर वापस पढ़ के उस पेज को वापस अपने पर्स में रख। ये तीन चीजें हमेशा आपकी पर्स में रहनी चाहिए। ये हर वक्त जब भी आप हताश हो, दुखी हो, उदास हो, बस उसको निकाल के पढ़ लो। मन एक बार आपका हल्का हो जाएगा, आपको कुछ करने की इच्छा होगी, आपको लगेगा कि नहीं यार मुझे कुछ करना चाहिए लाइफ में, मुझे अपने लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए और मेरे देश के लिए, आपको ये फीलिंग अवश्य आएगी। अब वो तीन वर्ड क्या है जो आपको लिखने हैं अपने पास में, लिख के रखने हैं? नंबर वन, एक बार और प्रयास कर ले। जब भी आप किसी काम को करते हो और बार बार असफलता मिलती है, आप बिल्कुल थक हार चुके हो, तब निकालना और पढ़ना उसमें लिखा होगा एक बार और प्रयास, एक बार और ट्राई कर ले। क्या पता हजारों ट्राई में लास्ट वाली ट्राई आपका किस्मत को खोल दे। एक बात ध्यान रख, प्रयास जीवन में जीवन में अगर आप में कितना ही टैलेंट है, कितनी ही योग्यता है, लेकिन अगर आपके वर्क में, ये मैं डेफिनेटली दावे के साथ बता रहा हूं ना, अगर आपके वर्क में कंसिस्टेंसी नहीं है, बराबर वर्क करने का प्रयास नहीं है, आप कभी सफल नहीं होंगे। आप कितने अच्छे टैलेंटेड व्यक्ति हो, लेकिन अगर आपके कार्य में कंसिस्टेंसी नहीं है, आप बार बार उसी कार्य को करने का प्रयास नहीं करते हो ना, तो आप कभी सफल नहीं होंगे। सेकंड, एक बार और धैर्य रख ले। ये चीज भी आप नोट कर लेना, जब भी आप कोई कार्य करते हो आपको हताशा और निराशा हो जाती है, आप बिल्कुल थक चुके होते हो, टूट चुके होते हो, हार चुके होते हो, उस वक्त उस पर्स में से वो पेज निकाल के वो चीज पढ़ना, सेकंड नंबर, एक बार और धैर्य रख। जीवन में धैर्य रखना बहुत बड़ी बात है। कोई व्यक्ति, कोई इंसान अगर सफल बनता है तो आप क्या सोचते हो एक साल दो साल में सफल बन जाता है? नहीं, उसके पीछे उसकी 10 या 15 सालों की मेहनत होती है। उस 15 सालों की मेहनत में आज वो टॉप पर पहुंचा होता है। आज के युवा क्या कर रहे हैं? आज के युवा साल दो साल में ही बस अपने आप को टॉप पर पहचाना चाहते। हाउ इट विल बी पॉसिबल? कैसे कैसे पॉसिबल होगा? इट इज इम्पॉसिबल। आपको सफल होने के लिए टाइम देना पड़ेगा, आपको सफल होने के लिए मेहनत करनी होगी, आपको सफल होने के लिए धैर्य रखना होगा। और आज के टाइम में युवाओं के पास धैर्य नहीं है, बस वो तो कोई ना कोई कार्य जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं, बस ऐसा नहीं होगा। इसलिए जब भी आपको लगे कि अब बहुत हो चुका है, तो एक बार पढ़ना उसको, एक बार और देरी कर ले। आपके मन में लगे हाँ यार एक बार और मैं देरी रखी ये काम करता हूं, तो आप वापस उस काम को लगन से कर पाएंगे। सच्चाई और विश्वास, थर्ड, अपने पर्स में ये चीज भी रख लेना। जीवन में हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना, झूठ के रास्ते पर मत चलना। झूठ आपको क्षणिक भर की खुशी दे सकता है, लेकिन सच्चाई आपको जीवन भर की खुशी देगा।
विश्वास, दूसरों लोगों का हमेशा विश्वास जीतना। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, अगर आपको टॉप पर पहुंचना है, अगर आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ना है, तो आपको लोगों का विश्वास जीतना होगा। आज बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां जब मार्केट में एंटर होती है तो क्या करती है पता हो? वह लोगों का फेथ जीतती है। बिना फेथ जीते कोई कंपनी मार्केट में उतर सकती है क्या, बताइए मुझे? नो, नेवर। ब्रांड कैसे बनता है? लोगों को विश्वास से ब्रांड बनता है। आज भारत का सबसे नंबर वन ब्रांड है तो टाटा ब्रांड है। वो कैसे बना? लोगों को फेथ से बना। जब तक लोग आपके ऊपर बिलीव नहीं करेंगे ना, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको लोगों का विश्वास जीतना होगा, आपको सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा, तभी यू कैन विन इन दिस वर्ल्ड। अदरवाइज यू कैन डिस्ट्रॉय, यू कांट विन। इसीलिए जीवन में ये तीन शब्द अपने पर्स में हमेशा रखें। प्रयास, धैर्य, सच्चाई और विश्वास जीतना लोगों का। बस अगर ये तीन चीज आपके पास हो गई ना, तो आप किसी भी कार्य में असफल नहीं होंगे।